नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया, में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय बटन जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के इटरिया ग्राम में मैं उपस्थित हूं, और इटरिया ग्राम में उपस्थित होने के कारण क्या है कि अभी यहां पर बिहार बोर्ड का परीक्षा हुआ है, जिसमें हर जगह से कुछ लड़के अच्छे अच्छे नंबर ला करके अपने गांवों के नाम को रोशन किए हैं। उसी में से कुछ बच्चे हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि यहां पर एक छोटा सा ये देहात है और यहां पर एक कोचिंग संस्था चलती है, जिस कोचिंग संस्था का नाम है सागर कोचिंग सेंटर। और इस सागर कोचिंग सेंटर के प्रिंसिपल हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर, इन्होंने सफेद लिबास में यहाँ पर उपस्थित हैं, और इधर में लड़कियां, इधर में लड़के हैं। ये लोग अपने इस ग्राम के नाम को उज्जवल बनाया है, अच्छा नंबर लाया है और इस कोचिंग के प्रतिष्ठा को बचाया है। तो चलिए मैं इस सर से बातें करूंगा, कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूंगा किस तरह से तैयारियां करवाते हैं ताकि इनके बच्चे जो है लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं। तो चलिए मैं सर से बातें करूंगा, बंद कीजिए। तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए बच्चों, एकदम लगे कि हाँ कहीं गए थे, ताली एकदम जोरदार दो। हाँ, इसी तरह लग रहा है कि तुम लोग तालियों से अगर हाथ एकदम होना चाहिए कि सर का मन और चेहरा खुल उठे कि हम कहीं गए थे। चलिए एकदम जोरदार संगा, बहुत अच्छा, जितना हो सकता था उन्होंने व्यवस्था किया और सर आए। मैं चाहूंगा आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए सर की। नेक्स्ट आगे के लिए प्रज्वलित करेंगे। देखिए, शिक्षा अगर आपको लगता है कि महंगी है, जोरदार तालियों से Cheers, okay, very good, thank you, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, thank you। तो इस तरह से मैं चाहूंगा आदित्य सर प्लीज। चलिए, बहुत खूब, बहुत खूब, इसी तरह। और सभी बच्चों तालियों की गड़गड़ाहट, वेरी गुड, थैंक यू, ऑल राइट्स।